इकॉनमी और थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी की बात करती है और यूपी को कोसती है। मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं, 2004 में जब सरकार बनी थी तब उस वक्त हमारी इकॉनमी 709 बिलियन थी, जो 14 में 2.039 बिलियन हुई। अगर वही रफ्तार होता सर तो हम लोग 3 साल पहले हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होते और हमारा 5 ट्रिलियन इकॉनमी 2 साल पहले ही हो चुका होता। तो ये सरकार की नाकामयाबी है जिसके वजह से अभी भी हम पीछे हैं। दूसरा, ये कभी पर कैपिटा की बात नहीं करती सर। हमारा पर कैपिटा इनकम जो है बांग्लादेश और भूटान से नीचे है। अगर यूपीए मनमोहन सिंह जी के सरकार के रफ्तार में हम आगे बढ़ते तो हमारा आज 1.5 गुना पर कैपिटा इनकम होता। और सबसे अफसोस की बात यह है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं और 33rd पोजीशन, मतलब लास्ट पोजीशन में है, और वो 60,000 रुपया भी नहीं है। नेशनल पर कैपिटा इनकम इज ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज और उसका 1/3 भी नहीं है। अफसोस की बात है सर, उस स्टेट का जहां पे 14 करोड़ की आबादी है और ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। सबसे बड़ा अगर झूठ है पूरे दुनिया में वो है सबका साथ सबका विकास। ये बिहार के खिलाफ और माइनॉरिटी को टारगेट करती है। ये सिर्फ एंटी फार्मर गवर्नमेंट नहीं है, ये एंटी यूथ है, एंटी महिला है और प्रो रिच है। ये हम लोगों ने देखा है। और खास करके अगर आप माइनॉरिटी बजट को देखेंगे, एजुकेशनल स्कीम्स है उसको खत्म कर रही है, स्किल्स फॉर डेवलपमेंट लाइवलीहुड उसको खत्म कर रही है, हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज पे हमला किया जा रहा है, इनक्रोच किया जा रहा है, मस्जिदें मदरसा मजार को डिमोलिश किया जा रहा है, क्राइम डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इलीगल बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और वही नहीं, अभी हाल में देखा होगा सर, 900 साल पुराना एक सेंट का मजार तोड़ दिया गया ये कह के कि एनक्रोचमेंट में। अब बताइए, ये सरकार है 77 साल पुरानी, 900 साल पुराना स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं ये। तो ये सरकार एंटी माइनॉरिटी है और ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। सर, बिहार में मैंने कहा था अगर बिहार को और माइनॉरिटी को अगर देखा जाए तो लगभग 35 करोड़ की आबादी है, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एंड यू कैन नॉट ग्रो विद द निग्लेक्ट ऑफ दीज 1/4 पॉपुलेशन ऑफ। सर गिव मी वन मिनट प्लीज। ओके, सो यू हैव टू टेक एवरीबडी अलोंग। सर, मैं किशनगंज के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में 5 साल से लगातार एमयू के बारे में मुद्दा उठा रहा हूँ। आज भी माननीय मंत्री जी को चिट्ठी लिखा, अभी तक ना तो हमको टीचिंग नॉन टीचिंग मिले ना ही फंड्स मिले। महानंदा बेसिन जिसके वजह से हजारों लोगों को इफेक्ट होता है हर साल, उसमें मेरी मांग है कि जो कोसी और मेची को लिंक किया जा रहा है इसको रोकना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये बोल्डर पिचिंग या कंक्रीट वॉल बनाना चाहिए और हर साल ड्रेजिंग करना चाहिए ताकि फ्लड से हमारा नुकसान ना हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में देने की बात थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिया गया, उसको देने की ज़रूरत है। सुरजापुरी जो सबसे पिछड़ी कम्युनिटी है उसको ओबीसी लिस्ट में आना चाहिए। सर, वन हाफ अ मिनट सर, किशनगंज और सीमांचल में जलालगढ़ रेलवे को चालू करना चाहिए और किशनगंज एरिया सीमांचल में सबसे कम अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब की। धन्यवाद सर, उसके लिए ध्यान देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, ये बजट इतने अच्छे बजट है, बजट को देखने के बाद और 10 साल का काम देखने के बाद हर सांसद को बोलना पड़ेगा जो हमारा